क्या 2021 में आप भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं? क्या 2021 में आप भी यूट्यूबर बनके फेमस होना चाहते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को पूरा देखिए। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड दोस्त हु आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। सो क्या आप ही सोच रहे हैं 2021 में यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना? मेरे कुछ सब्सक्राइबर है, स्पेशली वुमेंस जो हाउसवाइफ है, वो मुझे कमेंट करके कहती है कि मैम हम भी यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्या ये सही टाइम है 2021 में यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना? तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल थम्स अप है। अगर आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं और इस टाइम जो सब घर पर है, लॉकडाउन में है, तो इससे बेस्ट टाइम तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब ये टाइम अगर आपने यूटिलाइज़ कर लिया ना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके, एक बहुत ही अच्छा चैनल क्रिएट करके, तो डेफिनेटली आपका यूट्यूब चैनल सक्सेस होगा, बिकॉज ये सबसे ही ज़्यादा बेस्ट टाइम है। एज़ यू नो, कोविड के वजह से इस वक्त लॉकडाउन है, पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, ऑलमोस्ट सारी जगहों पे लॉकडाउन लगा हुआ है, तो लोग इस वक्त घर पर बैठे हैं और घर पर बैठ के मोस्टली क्या देखा जाता है, यूट्यूब या गूगल पे कुछ चीज़ सर्च करना। तो ये बेस्ट टाइम है यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के लिए और अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाए। अब इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी और कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी जो ये आपके लिए यूज़फुल हो। अगर आप नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रहे हो, तो सबसे पहली टिप तो ये कि आप अपने चैनल का एक यूनिक नाम रखिए। जी हाँ, मतलब अपने चैनल का नाम ऐसा रखिए ना एकदम डिफरेंट, क्योंकि कॉमन नाम क्या होता है, सर्च पे नहीं आ पाता है। जैसे बहुत सारे मेकअप ट्रिक्स, ऐसे बहुत सारे कॉमन नेम्स है यूट्यूब पे, अगर इस तरीके का नाम आप कुछ अपने यूट्यूब चैनल का रखेंगे तो वो सर्च में नहीं आएगा। इसलिए अपने चैनल का नाम एकदम डिफरेंट रखिए, यूनिक रखिए, ताकि कोई भी अगर सर्च कर रहा है ना, कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अपने चैनल का नाम, जैसे मेरा नाम श्वेता है, तो मैंने अपने चैनल का नाम श्वेता चैनल रख दिया, तो अगर मैंने किसी को बोला भी कि मेरा चैनल देख लियो, तो वो मेरे नाम से अगर सर्च करेगा तो सबसे पहले मेरा नाम ही शो करेगा। तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अपने चैनल का नाम बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक रखिए, कॉमन नाम बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि अगर आपके चैनल का नाम कॉमन होगा तो वो सर्च में नहीं आएगा, क्योंकि जो उससे ज़्यादा हाई पर है वही चैनल डेफिनेटली सर्च पर आएगा, तो आपका चैनल सर्च पर आएगा ही नहीं। इसलिए अपने चैनल का नाम बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक रखिए। दूसरी टिप, आप ऐसी वीडियो बनाइए ना, मतलब आजकल क्या ना यूट्यूब पे, पहले क्या होता था, पहले इतने से थे यूट्यूबर, अब बढ़ते 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 इतने बढ़ गए, यानी कि बहुत यूट्यूबर्स आ गए, हर दिन न्यू यूट्यूबर्स आ रहे हैं, हर दिन न्यू कुछ देखने के लिए आपको मिल रहा है, तो कंपटीशन ना बहुत तगड़ा वाला हो गया है। तो अब इस कंपटीशन में आप अपनी जगह कैसे बनाएंगे? तो एक ही मात्र उसका तरीका है कि आप अपनी वीडियो बिल्कुल डिफरेंट बनाओ। क्योंकि देखिए, व्लॉगिंग तो आजकल होम, हाउस, पर्सनल व्लॉगिंग सब कोई कर रहा है, हर कोई कर रहा है, लेकिन उससे भी डिफरेंट कुछ बनाइए। जैसे कि अगर आप, फॉर एग्जांपल, आपकी कुकिंग अच्छी है, तो कुकिंग के भी बहुत सारे चैनल्स हैं, जो फेमस फेमस चैनल है, लोग उसको देखना ज़्यादा प्रेफर करेंगे रहते थे ना आपकी वीडियोज़ देखने। तो कुछ ऐसी डिश लाइए, कुछ ऐसी वीडियोज़ बनाइए कि जैसे क्विक रेसिपी बना सकते हैं, या फिर ओवन के बगैर कैसे कुछ चीज़ें, जैसे पिज़्ज़ा हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। आप यूट्यूब पे ही सर्च कीजिए, यूट्यूब पर ही सर्च करके आपको आइडियाज़ मिलेंगे, और उसमें अपनी क्रिएटिविटी डालिए और वीडियोस बनाइए। ये सबसे बेस्ट तरीका है यूट्यूब पे वीडियो बनाने का, उसी पे सर्च कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी से रिलेटेड वीडियोज़, आपको हर तरीके की वीडियोज़ मिल जाएगी यूट्यूब पे, सर्च कीजिए, उसमें अपनी क्रिएटिविटी डालिए, अपना इनोवेशन डालिए और फिर प्रेजेंट कीजिए। ये सबसे बेस्ट और बहुत ही बेस्ट तरीका। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो कोशिश कीजिए अपने बच्चे को भी वीडियो में इंक्लूड कीजिए, उनको इंट्रोड्यूस कीजिए, उनसे रिलेटेड कोई अच्छी कॉमेडी इस तरीके के वीडियोस भी बनाइए, क्योंकि ये भी बहुत चलती है। कोशिश कीजिए कि आपके वीडियो बहुत हद तक थोड़ी डिफरेंट हो, बिकॉज कॉमन वीडियोस बहुत है और जो फेमस यूट्यूबर है ना, लोग उन्हीं को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। आजकल यही हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, नो डाउट, बट यहाँ पे कंपटीशन भी उसी तरह हाई लेवल का हो गया, हर कोई यूट्यूबर आजकल बन रहा है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी वीडियो बिल्कुल डिफरेंट बनाएं। अगर आप व्लॉगिंग भी कर रहे हैं तो उस व्लॉगिंग को भी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कीजिए, क्योंकि जितना आपकी प्रेजेंटिंग अच्छी होगी वीडियो की, जितना आप उसमें एडिटिंग अच्छी करोगे, तो वो उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी बनेगी। अब बहुत लोगों को क्या होता है कि ये क्वेश्चंस भी बहुत लोग करते हैं कि हम यूट्यूब पर आना चाहते हैं, बट हमें बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है,
हम बहुत मतलब वो बहुत हेजिटेट होते हैं और उन्हें ये भी लगता है कि कोई हमारी वीडियो देखेगा तो हंसेगा। ऐसा होता है, मैं समझ सकती हूँ, ये चीज़ ज़रूर होती है, बट इस चीज़ को साइड में रखिए और आप वीडियोस बनाइए। ये देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब पे आप अगर वीडियो बना रहे हो तो आपको अपना फेस दिखाना ही ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको शुरुआत की वीडियोज़ में फेस दिखाना। इनफैक्ट मैंने भी काफ़ी स्टार्टिंग की वीडियोज़ बनाई थी जिसमें अपना फेस नहीं दिखाया था, क्योंकि मेरे अंदर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं था, बट धीरे धीरे बनाते 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 मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा और अब मैं वीडियो फेस दिखाकर बनाती हूँ। तो आप चाहो तो स्टार्टिंग में अपनी वीडियोस विदाउट फेस दिखाएं, यानी कि जैसे कुछ लिख दिया है तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, इस तरह से अपना वॉइस ओवर दे के बना सकते हो। ये भी बहुत अच्छा तरीका है स्टार्टिंग के लिए। देन धीरे धीरे आप खुद कैमरा फ्रेंडली हो जाओगे और आप खुद बनाना स्टार्ट कर दोगे। दूसरी चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी वीडियोस के साथ रेगुलर रहिए, यानी कि अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो एटलीस्ट वीक में एक या दो वीडियो आपको अपलोड करनी है। अगर रेगुलर एक वीडियो अपलोड करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, घर में बहुत सारे काम होते हैं तो नहीं कर पाते। तो आप क्या कर सकते हैं, दो दिन में एक वीडियो अपलोड कीजिए या तीन दिन में एक वीडियो अपलोड कीजिए, बट कीजिए। आपकी वीडियो रेगुलर होगी ना तो आपके साथ जो आपके सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स है ना वो भी कनेक्ट रहेंगे। वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, अगर आपकी वीडियोस बहुत अच्छी हैं तो वो वेट करते हैं कि कब इसके वीडियो आए और हम देखें। तो इसलिए आपको रेगुलरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट वीक में कोशिश कीजिए दो वीडियो डालिए। रेगुलर अगर आप वीडियो डाल सकते हैं तो वेल एंड गुड है, बट अगर नहीं डाल सकते तो एटलीस्ट वीक में दो वीडियो डालने की कोशिश कीजिए। बट वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप डाल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी उठा के बना दिया और डाल दिया, नहीं। क्वालिटी सबसे ज़्यादा बेस्ट होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। फिर अगर वो रेगुलर नहीं भी है, हफ्ते में दो वीडियो भी है बट क्वालिटी बहुत अच्छी है, वीडियो की मतलब बहुत ही अच्छी है, तो वो भी वर्क करेगी और डेफिनेटली आपका यूट्यूब चैनल सक्सेस करेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी ये टिप्स और ट्रिक्स आपको हेल्पफुल लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।